हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। तो यार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यामाहा R15M 60th एनिवर्सरी एडिशन और टेक्नो ब्लैक एडिशन के बारे में। अगर आपका किसी और बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, यामाहा R15M 60th एनिवर्सरी एडिशन और R15 V4 टेक्नो ब्लैक एडिशन, ये दोनों कलर वेरियंट रिसेंटली ही इंटरनेशनल टूलर मार्केट में लॉन्च हुए हैं। लेकिन भाई, R15M और R15 V4 को यामाहा ने सबसे पहले इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च किया था और इसी वजह से ये बाइक सबसे पहले हमें इंडिया के अंदर देखने को मिली। लेकिन अभी यामाहा ने R15M और R15 V4 को इंडोनेशिया में भी लॉन्च कर दिया है। इंडियन टूलर मार्केट के अंदर यामाहा ने R15 V4, R15M और एरोक्स 155, इन तीनों टू व्हीलर्स को एक साथ लॉन्च किया था। इंडियन टूलर मार्केट में R15 V4 का प्राइस 1,71,000 से लेके 1,83,000 तक है, लेकिन इंडोनेशिया में इस बाइक का प्राइस इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग 2,03,000 से लेके 2,27,000 तक है। और इंडोनेशियन R15 V4 का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वहाँ पे इस बाइक के दो नए कलर्स इंडियन वेरिएंट से डिफरेंट हैं और ये दोनों कलर्स ही यार काफी ज्यादा अच्छे हैं। यामाहा ने R15 V4 को इंडोनेशियन मार्केट के अंदर 4 कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया है, जिसमें सबसे पहला कलर ऑप्शन है व्हाइट प्लस रेड प्लस येलो, जिसके अंदर गोल्डन कलर के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं और इस बाइक के ओवरऑल ग्राफिक्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं और ये स्पेशली 60th एनिवर्सरी एडिशन है जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आपको R15M व्हाइट प्लस रेड प्लस येलो कलर वेरिएंट में कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यार, ये वाला कलर वेरिएंट इंडियन टूलर मार्केट में भी लॉन्च होना चाहिए क्योंकि इसके ओवरऑल बॉडी ग्राफिक्स भी देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और स्पेशली व्हाइट कलर में R15 काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। और सेकंड कलर ऑप्शन इस बाइक का है टेक्नो ब्लैक, जो इंडियन मॉडल डार्क नाइट मैट ब्लैक से काफी डिफरेंट है क्योंकि यार इंडिया के अंदर डार्क नाइट एडिशन है जिसके अंदर मैट ब्लैक कलर दिया गया है और इंडोनेशियन मॉडल के अंदर टेक्नो ब्लैक कलर है जो कि ग्लोसी ब्लैक है और ग्लोसी ब्लैक में R15 काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, मैट ब्लैक से बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। सो यार, ये वाला कलर ऑप्शन भी इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होना चाहिए था क्योंकि R15 मैट ब्लैक से ज्यादा अच्छी ग्लोसी ब्लैक में लग रही है और आपको भी ग्लोसी ब्लैक कलर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। R15 V4, R15M टेक्नो ब्लैक और व्हाइट कलर के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। ये दोनों कलर ऑप्शंस इंडियन टूलर मार्केट में भी लॉन्च होने चाहिए, लेकिन यार R15 V4 और R15M के न्यू कलर ऑप्शंस के बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। सो करंटली तो ये कलर ऑप्शंस इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च नहीं होने वाले। इंडोनेशियन मॉडल में थर्ड कलर ऑप्शन है रेसिंग ब्लू और फोर्थ है सिल्वर प्लस ब्लू R15M। ये दोनों कलर ऑप्शंस इंडियन मॉडल वाले ही है। बाकी दोस्तों, R15M और R15 V4 इंडोनेशियन मॉडल वही सेम डिजाइन और स्टाइल पे बेस्ड है। ये बाइक वही सेम R7 के ऊपर बेस्ड है। इस बाइक का डिजाइन और स्टाइल R7 से ही इंस्पायर्ड है, जिसके अंदर न्यू फ्रंट लुक दिया गया है, न्यू फेयरिंग दी गई है, एग्जॉस्ट सिस्टम के ऊपर एक कवर दिया गया है और साथ ही न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम देखने को मिल जाती है। और बाकी चेंजेस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर वही सेम इंडियन मॉडल के जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट ऐप वाले सारे फीचर्स दिए गए हैं। इंडोनेशियन मॉडल के इंस्ट्रूमेंट कंसोल को भी यामाहा ने अपग्रेड किया है, जो अब सेम इंडियन मॉडल के जैसा है। बाकी इस बाइक के अंदर भी इंडियन मॉडल के जैसे ही फ्रंट में सिंगल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट है विद LED DRLs, हेलोजन इंडिकेटर्स हैं, LED टेल लाइट है। लेकिन दोस्तों, इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर इंडियन मॉडल से ज़्यादा पावर है। इंडोनेशियन मॉडल के अंदर वहीं से 155cc का लिक्विड गोल्ड इंजन है, लेकिन इसकी मैक्सिमम पावर है 19.3 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 14.1 Nm। सो इस बाइक की मैक्सिमम आउटपुट 1 PS ज्यादा है इंडियन मॉडल से, जिसकी वजह से इंडोनेशियन मॉडल की परफॉर्मेंस हमें बेटर देखने को मिलेगी। बाकी इस बाइक के अंदर वही सेम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं, रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है, 282mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, 220mm की रियर डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS। इंडोनेशियन मॉडल के अंदर भी साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच है, क्विक शिफ्टर भी दिया गया है और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी दिया गया है। लेकिन दोस्तों, R15 V4, R15M इंडोनेशियन मॉडल का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी पावर इंडियन मॉडल से ज़्यादा है। साथ ही इस बाइक के अंदर टेक्नो ब्लैक कलर ऑप्शन और 60th एनिवर्सरी एडिशन व्हाइट कलर भी दिया गया है। सो R15 V4, R15M इंडोनेशियन मॉडल के अंदर इंडियन मॉडल से ज़्यादा पावर है और इंडिया के अंदर हमें टेक्नो ब्लैक कलर वेरिएंट देखने को नहीं मिलता है, जो इंडियन मैट ब्लैक से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। R15 V4, R15M इंडोनेशियन मॉडल की मैक्सिमम पावर आउटपुट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि दोस्तों, इंडोनेशिया के अंदर यूरो 4 इमिशन स्टैंडर्ड है,
लेकिन इंडिया के अंदर BS6 इमिशन स्टैंडर्ड है, जिसका मतलब है भारत स्टेज 6। इंडिया के अंदर इमिशन स्टैंडर्ड ज्यादा है, लेकिन इंडोनेशिया का इमिशन स्टैंडर्ड Euro 4 है, जिसकी वजह से इस बाइक की मैक्सिमम पावर आउटपुट थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इंडिया के अंदर BS6 इमिशन स्टैंडर्ड अप्लाई होने के बाद इस बाइक की मैक्सिमम पावर आउटपुट 1 PS के आसपास डिक्रीज हो गई है। सो दोस्तों, इसी वजह से R15 V4 इंडोनेशियन मॉडल इंडियन मॉडल से थोड़ा सा डिफरेंट है और इंडियन मॉडल से थोड़ा सा बेटर स्टैंड करता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।